तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल लॉस्ट। कंट्रोल लॉस्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? जब कोई कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है तो उस वक्त हमें क्या गेन होता है या लॉस होता है, और क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके वजह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में या कंसोलिडेटेड पीएनएल में। हमारे पास इस टॉपिक पे अभी 6 क्वेश्चन हैं और वो हैं अपने प्यारे स्टडी मैट से। ओके, तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे कि सवाल में क्या सवाल है आखिरकार। पहला सवाल तो यही है कि हर सवाल में क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45 पहला क्वेश्चन हमारा है। कोई भी सवाल को देखने के पहले हम लोग पहले उस सवाल से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या सवाल है। तो पूछ लेते हैं, कैलकुलेट करना है हमें गेन और लॉस ऑन गेन और लॉस ऑन लॉस ऑफ इंटरेस्ट। वाओ, लॉस कैलकुलेट करना है कब? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सब्सिडरी। सब्सिडरी में मतलब कि जो हमारे शेयर्स हैं उसमें जो हमारा कंट्रोल है वो लॉस हो गया है, तो उस वक्त जो गेन हुआ या लॉस हुआ उसको हमें कैलकुलेट करना है। अभी हुआ कैसे? ये हुआ ड्यू टू ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब आखिरकार ये है क्या और इनके पास कितनी शेयर होल्डिंग थी, कितना इंटरेस्ट इन्होंने लूज़ किया है, आइए देखते हैं। अब इनका इंटरेस्ट हमें देखना पड़ रहा है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन से कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम देखो हम क्यों देखें। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसे बोलेगा तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इन मार्च 2001 ग्रुप हैड 60%। ओके, मतलब यहाँ पे सब्सिडरी तो हैं ये, 60% इंटरेस्ट इन सब्सिडरी विथ अ शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। द कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इज 20,000 एट मार्च 2001। ठीक है, 60% 50,000 में ओन करते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब है 30,000 शेयर्स इनके पास हैं। उस समय गुडविल की वैल्यू थी 20,000, कैलकुलेटेड यूजिंग पार्शियल गुडविल मेथड। अगर आपको याद हो पार्शियल गुडविल मेथड इज सेम एज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मेथड, दैट इज पर्सनल। ओके, जहाँ पे हम लोग नेट एसेट का परसेंटेज लेके उससे गुडविल निकालते थे, और एक होता है फेयर वैल्यू मेथड या फिर फुल गुडविल मेथड। ऑन 31 मार्च 2001 एन ऑप्शन हेल्ड बाई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी मतलब 60 के अलावा जो शेयर होल्डर्स थे 40% वाले, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज द ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर अ फर्दर 25,000। ओ माई गॉड, मार्च में सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब आप सब्सिडरी थे, लेकिन जैसे ही एंड आया 31 मार्च को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने ऑप्शन एक एक्सरसाइज किया जिसमें 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदी उन्होंने 12 रुपया पर शेयर से, और 3 लाख रुपया रेज किया 25 × 12। द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस इट प्रायर टू द ऑप्शन एक्सरसाइज। जब ये कांड हुआ, उसके पहले, कांड इज नॉट द राइट वर्ड, पता लोग नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है। ओके, एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ के 4,50,000 का INA था, आइडेंटिफिएबल नेट एसेट। तो इस सवाल की स्टोरी कैसी है कि यहाँ पे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, हालात भी बदल गए हैं, जज्बात भी बदल गए हैं, और धोखा हो गया है। तो इस धोखे से आपको निकलना होगा। क्या धोखा हुआ बेसिकली? आपके पास 60% शेयर होल्डिंग थी, 30,000 आपके पास शेयर्स भी थे, और बाकी लोग के पास 20,000 थे,
अब इन्होंने क्या किया, 25,000 एडिशनल ले लिया, इसका टोटल तब था 50,000 और अब हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20 + 25 और यहाँ पे 30 एक बार लिख लेते हैं, अब हो गया ये 75,000। पहले था 50 जिसमें आपने 30,000 होल्ड करके 60% रखा था, लेकिन आज आपकी जो होल्डिंग है वो 30,000 शेयर्स की है, लेकिन ये 30 कितने की है, 75 की। तो आपका कितना परसेंट हुआ शेयर्स? हमारी धन्नो आ गई, मतलब अपना कैलसी जो नए हैं, दैट इज 40%। ठीक है, तो आपके लिए हालात बदल गए, जज्बात बदल गई, राजस्थान की सरकार बदल गई, ठीक है, एमपी भी बदल गए, हर सरकार बदल गई रातों रात आपके लिए। तो इस केस में आप तो बस अकाउंटेंट को बुलाया कि भाई सुनो, देखो अब जो होना था वो हो गया, अब अपने को बताओ कि कुछ गेन और लॉस हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल हों, जो होना था वो तो हो गया। तो उसके लिए आपको बुलाया गया है और हम वो करेंगे जिसके लिए हमें बुलाया गया है। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं कि कंट्रोल का लॉस होना। पहले, इसके पहले आपका उस एंटिटी पे कंट्रोल था, बिकॉज इस क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो आपकी सब्सिडियरी थी और आपके पास 60% शेयर्स होल्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, तो आप मान लिया जाएगा कि आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब कंट्रोल बहुत टाइप के हो सकते हैं और इसके ऊपर हमारा पूरा थ्योरी का सेशन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कंट्रोल कब आता है। बट बेसिकली जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका कंट्रोल है या नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कंट्रोल था, लेकिन अब ऐसा पासा पलटा कि अब कंट्रोल नहीं है। तो इस नहीं होने वाले सिनारियो, जैसे इस केस में आपके साथ धोखा हो गया, या फिर बेसिकली आप नहीं खरीद पाए, वो लोग शेयर्स खरीद लिए, और कई केसेस में आप खुद शेयर्स बेचोगे, आप सेल करोगे शेयर्स को, आप अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करोगे, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल लॉस। ठीक है, तो यही दो केसेस में हमें गेन होगा या फिर लॉस होगा वो हम लोग निकालेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट होगा वो करते हैं। चलिए, हमें कैलकुलेट करना है गेन और लॉस जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया सब्सिडरी में। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री। और ये जर्नल एंट्री कहाँ पास होगी? ये होगी आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, आगे बोलिए, स्टेटमेंट में। क्लियर है? क्योंकि हमने सब्सिडरी का कंसोलिडेशन कहाँ करके दिखाया होगा, आपको CFS में हमने दिखाया होगा, तो वहीं पे जनरल एंट्री पड़ेगी। बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है जनरल एंट्री का, कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आपसे चली जाती है दूर, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आज आपको एंट्री मारनी पड़ेगी, आपने मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ पे जो पैसा आपको रिसीव हुआ है, और टू गेन या फिर लॉस रहेगा तो यहाँ बुक कर देंगे। क्लियर है? लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस होगी, चलिए पहले CFS का करके दिखाते हैं, ऑल्दो मांगा नहीं है आपसे, मतलब क्या एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और मान लीजिए गेन है तो टू गेन हो जाता, और यहाँ पे लॉस हो जाता अगर लॉस रहता तो। अब यहाँ तो गेन रहेगा ही रहेगा, अब इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं?
अब हम इन्वेस्टमेंट को भेज दिए या फिर इन्वेस्टमेंट आपसे चली गई, आपसे इन्वेस्टमेंट कितनी चली गई? आपकी 60% इन्वेस्टमेंट थी पहले, अभी आप 40% हो गई। ठीक है, 40% होते ही आपको क्या बोलेगा CFS कि आप यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाइए। CFS वाला बोलेगा कि भाई आप पहली फुर्सत में निकल जाइए। ऐसा किस लिए होगा? आखिरकार मतलब इतनी हार्श लैंग्वेज आपके साथ क्यों यूज़ होगी? क्योंकि वो बोलेगा कि जो देखो 50% जो प्लैटिनम कस्टमर हैं जो हमारे, हम उन्हीं को रखते हैं बस। जो हमारे लिए वैल्यू करते हैं वो सिर्फ 50% से ऊपर वाले हैं। डिस्क्रिमिनेशन है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। ठीक है, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे CFS इज़ ऑलवेज ऑन की जब तक आपके पास सिग्निफिकेंट होल्डिंग नहीं होगी तब तक आप तो कंसोलिडेट नहीं करते हो। तो इसका मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा CFS से, और आपका जो भी बचा हुआ है वो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रख लीजिएगा, आपका इन्वेस्टमेंट बुक कर लीजिएगा। क्लियर है? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या इनको पैसा मिला? आंसर इज नो, तो यहाँ पे तो जीरो आएगा। अब इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट बची है क्या? बिल्कुल बची है, 40%। और ये किस पे आएगी? फेयर वैल्यू पे आएगी। क्या क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दी हुई है कि कैसे निकाला जाएगा? आप एक एजम्पशन ज़रूर ले सकते हो कि जिस पे ऑप्शन एक्सरसाइज हुई है 12 रुपीज़ पे, वही वैल्यू होगी, नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे पर शेयर वैल्यू। ऐसा हमारे ICI ने भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन 12 रुपीज़ का है तो 12 रुपीज़ ही पे बिका होगा, वो 10 पे भी 11 पे भी खरीदा जा सकता है, ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग एक दूसरा मेथड लगाएंगे जिससे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, जैसे आप बोल सकते हो नेट एसेट वैल्यू मेथड, NAV मेथड से हम उसके नंबर शेयर की वैल्यू निकाल लेंगे। ICI ने ये सिंपली 12 रुपीज़ वाला फॉलो किया है, फेयर वैल्यू निकाल के दे दिए। पहले हम लोग भी वही करेंगे और एक अल्टरनेटिव भी आपको करके दिखा देंगे कि आपको अगर लगा कि वो अंदर से फीलिंग है कि और अच्छा करना है और बेहतर करना है तो फिर आप उसको कर सकते हो, एकदम करेक्ट मेथड है। क्लियर है? और अब अगर ICI के हिसाब से देखें तो हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 30,000, और उसकी वैल्यू 12 रुपीज़ है। सो 30,000 इंटू 12 दैट कम्स टू 3,60,000। अब एक चीज़ आपको और एलिमिनेट करनी पड़ेगी, उसका नाम है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अबे डेबिट में क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई डेबिट में? क्योंकि वो क्रेडिट में जाता है, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में, तो अगर आपको याद हो तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पार्शियल गुडविल मेथड यूज़ हुआ था अगर आपको याद हो तो, और उसी मेथड से हम लोग निकालेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना रहा? अगर आइडेंटिफिएबल नेट एसेट आज की डेट में 4,50,000 है तो इसका 40% हमारा जो था उसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। बिफोर द ऑप्शन एक्सरसाइज द आइडेंटिफिएबल नेट एसेट वॉज 4,50,000, तो उससे हम लोग डेटा यहाँ पे पिक किए। ये क्यों हो रहा है उसका लॉजिक मैं भी बता रहा हूँ कि ये CFS जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग NCI दिखाते हैं, जब अब हम लोग CFS बनाएंगे तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी होल्डिंग ही नहीं है
मतलब हमारा कंट्रोल ही नहीं रहा ना, हालात और जज्बात दोनों बदल गया, क्लियर है? तो इसलिए हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें? हमें आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स को भी हटाने पड़ेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेट एसेट क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग और अदर इक्विटी मिला के नेट एसेट होता है। अब हमारा उसके नेट एसेट पे कंट्रोल है? आंसर इज नहीं। तो क्या हम बनाएंगे अपने बुक्स में दिखाएंगे? आंसर इज नो। तो उसको हटाना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ या ना बोलिए, करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग बुक्स से हटा देते हैं। ये डेटा दिया हुआ था 450,000 पहले भी। दिस इज एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो गुडविल भी हट जाएगा क्योंकि गुडविल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एसेट। एंड दैट इज 20,000। बस अब एक एक करके देखते हैं कि डिस्पोजल से हमारे पास पैसा आया तो ले लेते पैसा, अभी आया नहीं आया। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सब्सिडरी की वजह से हमें पैसा मिला? आंसर इज नो। तो देयर विल बी नो मनी हियर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम लोग फेयर वैल्यू पे ले लेते हैं, जैसा हमारे ICI में दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट हमारा जो 40% है उसकी वैल्यू क्या लेंगे? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के लिए हमने 12 रुपीज़ दे दिया, 12 रुपीज़ पर शेयर लिया एज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर द ऑप्शन एक्सरसाइज। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है कि हम लोग पार्शियल गुडविल मेथड फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने फॉलो कर लिया। और इसे हटाना क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग अब CFS की फैमिली का पार्ट नहीं रहे, तो उससे हमें हटना पड़ेगा। और वही हमारे नेट एसेट के साथ करना पड़ा और गुडविल के साथ करना पड़ा। इस एक्सरसाइज में, इस पूरे प्रकरण में या फिर इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या कोई गेन हुआ या लॉस हुआ? अब उसको कैलकुलेट करने के लिए बैलेंसिंग फिगर जिंदाबाद 360 बट प्लस 180 माइनस आपका 450 माइनस 20,000। सो वी हैव कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव गेन। और गेन को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे येलो पेन टू गेन। वाई येलो? बिकॉज इट इज़ गोल्ड, कलर ऑफ द गोल्ड। और पैसा बचा तो इट इज़ ऑलवेज गोल्ड। टू गेन ऑन लॉस ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, या फिर डिस्पोजल ऑफ इंटरेस्ट या डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, एनी वर्ड यू कैन यूज़, बट लॉस ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि बीइंग सब्सिडरी डी कंसोलिडेटेड, या फिर बीइंग ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, क्लियर है? अब तो ये रही पहला मेथड, ये फर्स्ट मेथड था। अब इस मेथड में कोई चेंजेस होगा क्या? आपको क्या लगता है? एक सेकंड, इसको अपने करते हैं कॉपी और डबल मेहनत से बच जाएंगे और नीचे कर देते हैं पेस्ट। अगर आप लिख रहे हैं तो भाई अब हम क्या बोले, बोलो। अब जो हमारा सेकेंड मेथड है, इसमें जो ये वैल्यू हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से अभी इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और गेन होगा कि लॉस होगा वो भी हम लोग एंड में देखेंगे। और एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट जिंदाबाद जिंदाबाद। कैलकुलेशन ऑफ
नेट एसेट वैल्यू ऑन 31st March, हाँ जो भी डेट 31st March बस बोला था, फॉर इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड, क्लियर है? उसमें आपका आ जाएगा गुडविल, $20,000 का हमारा INA आ जाएगा, आइडेंटिफिएबल नेट एसेट, जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो आ जाते हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ तो हमारी 3 लाख की और शेयर कैपिटल बढ़ गई, सो टोटल हो गया हमारा 7,70,000। ये नेट एसेट वैल्यू है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, दैट इज 75,000। सो पर शेयर वैल्यू क्या आएगी? 7,70,000 डिवाइडेड बाय 75,000, सो दैट विल बी 10.26 पर शेयर। इसको आप इंट्रेंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है? बेसिकली दैट इज बुक वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, 30,000 का तो 30,000 रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज तो हम लोग कर नहीं रहे, और बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इंटू कर देंगे 30,000 से, दैट विल बिकम 37,800। और अब अपने निकालते हैं इसमें लॉस है या गेन। बधाई हो, आपके यहाँ 17,800 का गेन हुआ है, एंड दैट इज़ गोल्डन इन कलर। सो दैट्स इट। अभी सवाल का जो बेसिकली ये पूरी तरीके से यूनिक क्वेश्चन था, अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था, पूरा हमारा जो क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट किया उसमें हमने कंट्रोल के हिसाब से क्वेश्चन किए हैं, कंट्रोल के हिसाब से हमने CFS बनाए हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है। यहाँ पे हमारा कंट्रोल चला गया भाई साहब, तो उस केस में हमें गेन है लॉस है उसको कैलकुलेट करना था, और उसके लिए हमने CFS का सहारा लिया, और CFS की मदद से हमने उसमें जर्नल एंट्री बुक करके अपना हिसाब किताब किया और निकल लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो चलिए चलते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब इस सवाल में क्या सवाल है, जैसे हर सवाल होता है वैसे ये भी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अ पेरेंट परचेज 80% इंटरेस्ट इन सब्सिडरी फॉर डमरू बज रहा है फॉर 1,60,000। ओके, बधाई हो आपको। ऑन 1st April 2001, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि सवाल क्या है। हमें कैलकुलेट करना है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी इन पेरेंट सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओ, इसमें कुछ है क्या, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ
नया है क्या? हमसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि आपको कैलकुलेट करना है गेन और लॉस जब डिस्पोजल हो गया सब्सिडरी का, यहाँ पे मतलब है जब सेल कर दिया इन्होंने सब्सिडरी को, इन पैरेंट सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले जो हमने किया था वो हमने किया था सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जो अब हम लोग करेंगे वो हमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाना पड़ेगा। तो बेसिक एंट्री होती जो अपनी करते हैं अपने अकाउंट्स में कि बैंक अकाउंट डेबिट अगर पैसा आ रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट और गेन और लॉस बैलेंसिंग फिगर, एज सिंपल एज दिस। तो चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो 80% शेयर होल्डिंग है, 1,60,000 दे के इन्होंने लिया था। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द सब्सिडरीज नेट एसेट तब 1,75,000 था, गुडविल 20 की थी और उसमें इन्होंने बोला कि पार्शियल गुडविल मेथड लगाया, अच्छी बात है। इम्पेयरमेंट हो गया ओके 8,000 का, वो चार्ज इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 मार्च 2003। ओके, यहाँ तक यहाँ मतलब आ गया, तो 12,000 हो गया बेसिकली, 20 माइनस 8,000, नो अदर इम्पेयरमेंट चार्जेस, थैंक यू। द पेरेंट शोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी ऑन 31 मार्च 2004। ओके, पेरेंट ने शोल्ड कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी, जो 80% इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था इसको इन्होंने बोला कि अब बस बहुत हो गया, अब हम लोग सेल करते हैं इसको, कुछ कमाते हैं और निकल लेते हैं इधर से। सो द बुक वैल्यू ऑफ द सब्सिडरीज नेट एसेट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द डेट ऑफ द सेल, ओके, पहले नेट एसेट कितना था इनका 1,75,000, अब कितना हो गया 2,25,000 से, ओके। नाउ ओके, नॉट इंक्लूडिंग गुडविल, ओके गुडविल इंक्लूड नहीं करते हैं, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, जो कि 12,000 था वो हमें पता था, 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 भी आएगा, क्या यार टू मच इन्फॉर्मेशन इधर भी, और क्या इन्फॉर्मेशन। व्हेन दी सब्सिडीज मेड द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अंडर इन डैश 105, नो राइट डाउन वैल्यू रिक्वायर्ड बिकॉज द एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 100% ऑफ द सब्सिडी वॉज ग्रेटर दैन, दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इंडियस 105 बोलता है कि जो नॉन करेंट एसेट हैं हेल्प फॉर सेल होने चाहिए तभी आप सब्सिडी को सेल कर सकते हैं, मतलब उनकी मार्केट रेडी हो, मतलब वो बेचे जा सकते हो, ठीक है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन का यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन में यूनिक पॉइंट था कि हमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इस बार डेटा को, आई मीन जर्नल एंट्रीज दिखानी है और सीएफएस में भी तो दिखाना है पहले जैसे हमने दिखाया था। इनकी होल्डिंग थी 80% और इन्होंने पूरी की पूरी सेल कर दी, खरीदी थी इन्होंने 160 में, बेच दी 200 में, फिगर्स आर इन थाउजेंड्स। ओके, इनकी 20 की गुडविल थी, अभी क्या हो गई 12 की, इनकी आपकी 175 था गुडविल, आई मीन आइडेंटिफिएबल नेट एसेट, और अभी हो गया 225 का, ठीक है। और इसी से आपका एनसीआई निकल जाएगा, आई मीन इसी से एनसीआई निकल जाएगा, इसका 20% और इसका 20%, एनसीआई में भी चेंजेस हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए और हमें यहाँ की कहानी बयां करनी है, तो हम लोग यहाँ की कहानी बयां करेंगे। इस डेटा से हमें कोई मतलब होगा कॉस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के, तो चलिए पहले हम लोग करते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री, जर्नल एंट्री करते हैं। ओके ओके ओके, एक डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट भी होता है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया था, हमें फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू दिखानी पड़ती है इंडियस 112 के हिसाब से, वो डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट भी कर देते हैं हम लोग। बेसिकली दैट इज़ री मेज़रमेंट गेन और लॉस, हमें सिर्फ वैसे गेन नहीं होता, हमें एक री मेज़रमेंट गेन भी होता है, उसको नोट्स टू अकाउंट्स में हमें दिखाना पड़ता है। सो डिस्क्लोज़र हमें
इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू पे दिखानी पड़ती है और इन्वेस्टमेंट हमें बुक वैल्यू पे दिखानी पड़ती है। तो अगर हमने जो एनएवी के हिसाब से कैलकुलेट किया था तो वही फेयर वैल्यू भी हुई थी। एक सेकेंड, साउंड आ रहा। और ये आईसीआई ने दिखाया हुआ नहीं है तो हम लोग फिर भी दिखा देते हैं क्योंकि हमने आने वाले क्वेश्चंस में करना होगा। तो अगर आईसीआई के हिसाब से करें तो 370,000 था, सॉरी 360,000 था ना, ऊपर कितना था, 30,000 इंटू अगर आप 12 करते हो तो 30,000 इंटू 12 360,000। और इसलिए हमने ये नहीं लिया था, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आईसीआई ने लिया है 12 रुपीज़, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत ये है कि इन्होंने बोला ना 12 पर शेयर्स, हमने 25,000 था ना, हमने ये लिया है 12 पर शेयर। हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज में प्राइस फ्लक्चुएट करती है, सेम प्राइस पे नहीं होता। तो उसके हिसाब से मतलब ऑप्शन में प्राइस फ्लक्चुएट करती हैं, हमेशा एक नहीं रहती है, तो इसलिए हमने नहीं लिया, जो कि अच्छी बात। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट अभी बची हुई है वो कितनी है, 30,000 है। तो उसमें बेसिकली रीमेजरमेंट गेन बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में शो करके। सो 30,000 इंटू 12 कर दिया आपने तो 360 आया बुक वैल्यू। इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था और आईसीआई ने निकाला भी नहीं था, लेकिन अगर हम लोग अपने मेथड से निकाले जैसे कि एनएवी से हमने निकाला तो इसके हिसाब से 307,800 आया था। और इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 52,200 ऐसे करके, ठीक है। और जो हम लोग किए थे उसके हिसाब से 307,800 दोनों बराबर था तो वो वैल्यू नहीं लाएगी। ऑल दो आईसीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया है ये चीज़, तो आप भी इसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। से क्वेश्चन आएगा नहीं तो टेंशन मत लीजिए, आने वाले क्वेश्चन में हम लोग दिखाएंगे जहाँ पे आईसीआई ने किया है डिस्क्लोज़र एज़ पर इंड एस। बेसिकली ये डिस्क्लोज़र क्या बोलता है कि इस एक्सरसाइज की वजह से, मतलब ये पूरा जो चीज़ हुआ उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट की जो रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू में थोड़ी सी रीवैल्यूएशन हो गई, और उसकी वजह से जो गेन और लॉस हुआ है उसको भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना चाहिए ट्रू पिक्चर्स के लिए। तो वो हम लोग करते हैं डिस्क्लोज़र में। चलिए हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए, और इस क्वेश्चन में आएगा कि नहीं आएगा, आंसर इज इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने पूरा का पूरा अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसको सेल कर दिया, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें बचा नहीं है। मतलब जब आप रिटेन करते हो इन्वेस्टमेंट तब रीमेजरमेंट गेन और लॉस आएगा ना, आपने तो रिटेन किया नहीं तो इस क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं आएगी। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री होगी, सिंपल से एंट्री होगी यहाँ पे आपका एसएफएस में, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो हमने 200 की बेची है टू इन्वेस्टमेंट रुपीज़ इन 1,000 आप बोल सकते हो या 2,00,000 लिख देते हैं। हमने खरीदी थी 1,60,000 में, तो इस पे गेन हुआ है लॉस हुआ, सिंपल सा कैलकुलेशन है, टू गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी।
सब्सिडरी 40,000. सो बीइंग सब्सिडरी डिस्पोज्ड क्लियर है. सॉरी, अब बात करेंगे हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या जर्नल एंट्री होगी. यहाँ पे सिंपली जो हम लोग करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, आंसर इज आया, पहले नहीं आया था, आंसर इज पहले नहीं आया था. इस बार पैसा मिला है तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इस बार हमने खुद सेल किया है. कुछ इन्वेस्टमेंट बची क्या, कोई इन्वेस्टमेंट हमने रिटेन की है क्या, आंसर इज नो, जीरो. कोई एनसीआई था क्या, एनसीआई है भाई, बिल्कुल है. और वो 225 था, आई गेस 225 का 20% क्यों, क्योंकि 80% होल्डिंग है तो 20% एनसीआई. टू आइडेंटिफिएबल नेट एसेट 2,25,000. टू गुडविल, गुडविल हमारी 12,000 की थी, क्लियर है. एनसीआई आपको 225 और एनसीआई का फिगर अगर आपको देखना हो तो ये रहा 225 और ये रही गुडविल 12,000 की, और हमने 225 का 20% निकाल देना. दैट इज 45,000. तो यहाँ पे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट. 2,00,000 प्लस 45,000 माइनस 2,25,000 माइनस दिस, सो यहाँ पे भी गेन हो रहा है. शुड टू गेन ऑन डिस्पोजल 8,000. तो वहाँ पे भी आप सेम जनरल मार सकते हो. क्या यहाँ पे डिस्क्लोजर करना पड़ेगा क्या, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या यहाँ पे करना होगा? आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड नहीं है. जब आप रिटेन करते हो तो उसकी वजह से आपके यहाँ रीमेजरमेंट गेन या लॉस आता है, उसको बुक करना पड़ता है. ओके, तो ये रहा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कुछ यूनिक चीज़ थी कि हमें ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इसको शो करना था, और कुछ खास नहीं. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. टोटल कितना क्वेश्चन इस टॉपिक पे है, शायद हमने बताया है कि 6 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके ऊपर. एटी लिमिटेड परचेस करते हैं 100% रुपीज़ 50 या डॉलर 50 बोल सकते हो ऑन ओके दिस तारीख को. व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ बीटी लिमिटेड हुज नेट इतना था उस समय, उसका नेट एसेट गुडविल था 10,00,000, 40,10,50. इन्होंने सोल्ड कर दिया 60%. अब जैसे पहले क्या होता था कि आप आपने पूरा सेल कर दिया था, इसमें इन्होंने पूरा नहीं 60% सिर्फ सेल किया है, तो भी तो इनका कंट्रोल लॉस हुआ ही ना. ओके, ऑन 31 मार्च 2003 67,50,000 का इन्होंने सेल किया, लीविंग एटी लिमिटेड विथ 40%. ठीक है, ओके. एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैरिंग वैल्यू नेट एसेट की थी 80. एज्यूम दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 60% शोल्ड, दैट इज 45. बोला कि एज्यूम दैट द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शोल्ड इन एसोसिएट बी टी लिमिटेड रिटेन्ड इन प्रोपोर्शनेट एट द फेयर वैल्यू ऑफ द 60% शोल्ड, दैट इज 45%. कहने का मतलब कि फेयर वैल्यू जो अभी बचा, अब एसोसिएट क्यों आया, क्योंकि 20-50% में क्या होता है, आप 20-50% होल्ड करते हो, दैट इज़ एसोसिएट. तो जो इन्वेस्टमेंट अभी इन्होंने हेल्ड की है, जो रखी हुई है, उसकी वैल्यू है 45,000. क्लियर है. और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ प्रपोर्शन ऑफ बीटी लिमिटेड, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं. यहाँ पे भी सेपरेट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में अलग अलग दिखाना है. इस क्वेश्चन में यूनिक क्या, आपके पास 100% होल्डिंग थी, आपने 60% बस सेल किया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल सा.
जनरल एंट्री इसमें भी पड़ेगा, आप सिंपल कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो। तो जनरल एंट्री क्या होगा एसएफएस में, सिंपली भाई बैंक अकाउंट डेबिट 6750 में इन्होंने बेचा और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, इन्होंने बेचा 60%, 60% ऑफ कितना में खरीदा था इन्होंने 50,000 का, इन्होंने इस वैल्यू पे बेचा है और ये वैल्यू नेट एसेट की और गुडविल की है। तो हम यहाँ पे उसके कॉस्ट को लेंगे, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को लेंगे। क्यों लेंगे कॉस्ट को, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो जितना के खरीदे थे और जितना में बेच रहे हैं उसी से तो निकलता है। तो ये 30 हो जाएगा और इधर हो जाएगा टू गेन, सिंपल सा दिख रहा है आपको, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर आप बोल सकते हो डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी 3750। फिर जनरल एंट्री करते हैं अपने कहाँ करेंगे इस बार, सीएफएस में पैसा मिला है क्या? मिला है भाई, बम्पर पैसा मिला है। आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ रिटेन्ड है क्या, उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है क्या? आंसर इज यस, इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड है और उसकी फेयर वैल्यू भी दी हुई है। टू आइडेंटिफिएबल नेट एसेट दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 80 लाख। गुडविल एक्सक्लूड करके दिया हुआ था क्या? आंसर इज यस, तो गुडविल भी लेंगे क्या? हाँ लेंगे। ये क्या है? सिर्फ और गुडविल लिखा रहना है यहाँ पे और सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। फिर टू गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी कितना होगा, इसको ऐड करिए। चल धनु चल, 80 माइनस 10 90 भी कर सकते थे। सो दिस कम्स टू 22,50,000। अच्छा है। फिर आता है अपना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, फिर डिस्क्लोजर लिख सकते हैं बस, एज पर इंड एस 112 गेन लिख सकते हो यहाँ पे, गेन और लॉस। सो यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है रिटेन्ड 45 और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड, वही हम लोग एनएवी मेथड लगा देंगे अपना, जो 80 लाख का है आपका और नेट एसेट वैल्यू और 10 लाख का गुडविल, उसके ऊपर सिंपली 40% जो रिटेन्ड है लगा देंगे तो 36 आएगा और ये डिफरेंस 9 आ जाएगा। बस ये नोट्स टू अकाउंट्स में शो होता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए। ये बेसिकली आपकी जो बुक वैल्यू है उसमें क्या रीमेजरमेंट गेन है, क्योंकि आप दिखाओगे तो 45 पे, तो उसके वजह से जो गेन आया रिटेन्ड अर्निंग रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट पे, रीमेजरमेंट की वजह से जो गेन आया वो हम लोग एज पर इंड एस 112 डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर है? आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेंगे, मतलब बुक कर लेंगे। 90 कैसे आया, ये रहा आपका नेट एसेट, किसी का डाउट है तो, और गुडविल 10 लाख का एक्सक्लूडिंग गुडविल है तो इसलिए हमने ऐड कर लिया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
छोटा क्वेश्चन है? नहीं, बड़ा है, पता नहीं सवाल क्या है। वही करना है अपने को, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सेपरेट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना है। इसमें 90% छोड़ किया और फैक्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स जो थे वो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सेप्ट दैट द ग्रुप ई टी लिमिटेड डिस्पोज ओनली 90% इंटरेस्ट और इसका दाम है आपका 85। पहले कितना किया था इन्होंने? 60%, अब बढ़ा के 90% डिस्पोज कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा? विद द 10% इन्वेस्टमेंट लिविंग, उसके पास 10% टेन परसेंट इन्वेस्टमेंट है, द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, और जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है इनका 10%, वो है 9,50,000। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगी? तो अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाए, जर्नल एंट्री, इन SFS आप लिखिएगा पूरा नाम, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के हैं, तो फिर करना क्या ज़रूरी है? आंसर इज़ येस। आप देख भी सकते हो, देख के मतलब इन सारे क्वेश्चंस को आप देख भी लोगे तो काम हो जाएगा। और इन्होंने कितना परसेंट सेल किया है? 90%, तो 50 था अगर आपको याद हो कॉस्ट जो इन्होंने पहली बार खरीदा था, तो ये 90% आ गया 45 लाख। टू गेन ऑन सेल, ऑफकोर्स टू गेन ऑन सेल कितना हो गया? ये आ जाएगा 40,50,000। क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें क्या जनरल एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, उसमें पैसा भी आएगा क्या? हाँ भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा पैसा आया है। कुछ इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड हो गई क्या? उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है। आंसर इज यस, क्वेश्चन में फेयर वैल्यू साफ साफ लिखा हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में 40% का दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में 10% का अलग अलग वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग अलग अलग वैल्यू लेंगे, ऐसा नहीं कि उसके हिसाब से लिखेंगे। टू आइडेंटिफिएबल नेट एसेट दैट इज 80 लाख, डेटा प्रीवियस क्वेश्चन का। गुडविल आपका 10 लाख का 10 लाख, तो 85 प्लस 90 कुछ गेन आ रहा है क्या? 85 50 प्लस 9,50,000 -80 -10, सो टू गेन आ रहा है, आई मीन टू गेन है, गेन आ रहा है डिस्पोजल पे, दैट इज 5 लाख। क्या हमें डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस, हमें डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट है। गेन एज पर इंड एस 112, तो इन्वेस्टमेंट हम दिखाते हैं इसमें एट फेयर वैल्यू, जो कि है 9,50,000। और दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 लाख था, इसका 10% दैट इज 9 लाख, सो ये रीमेजरमेंट गेन हो गया। ठीक है, क्लियर है? सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम लोग करेंगे इसको बड़ी आसानी से, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इस सवाल का क्या सवाल है? हमें प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, इसमें 100% सोल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3,000 मिलियन में इन्होंने बेचा है, और रुपीस, और ये फिगर्स आर इन मिलियंस है, इन मिलियंस। हमें बनाना क्या है? हमें प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो ये हम लोग इसको करेंगे कैलसी पे। कैलसी क्वेश्चन, वाह मज़ा आ जाएगा ना।
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्यों रहेगी? पी लिमिटेड, सॉरी पी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ नंबर ऑफ होल ओन्ड सब्सिडरी, इनके पास बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं, और मतलब इसमें बहुत सारी ऑल दी सब्सिडरीज इंक्लूडेड हैं। ये वाली जो सब्सिडरी है ग्रुप कैरिंग अमाउंट ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी है, इसकी डिटेल दी हुई है सेपरेट करके। तो CBS बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक सब्सिडरी नहीं थी, बहुत सारी सब्सिडरी थी, तो उसके हिसाब से हम लोग बाकी का CBS बनाएंगे इसको हटा के, सिंपल सी बात। ओके, यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो बेसिकली ये डेटा है जिसमें नॉन करेंट एसेट गुडविल, नॉन करेंट एसेट में गुडविल हो गया बिल्डिंग, करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, टोटल एसेट दिया हुआ है, और शेयर कैपिटल और करेंट लाइबिलिटीज़, ट्रेड पेबल फिगर्स, ये टोटल्स हैं, ये अलग अलग हैं, इसका टोटल है सब्सिडरी का। हम लोग बनाएंगे इसको कैलसी पे, ठीक है, तो इट साउंड्स ग्रेट। हमें करना क्या होगा, पहली बात तो डिस्पोजल का सिर्फ एक जनरल एंट्री मारना होगा, और CBS हम लोग बना लेंगे, जनरल एंट्री मार देते एक बार। जनरल एंट्री क्या होगी, कोई बताए? सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट 3000 million टू आइडेंटिफिएबल नेट एसेट, आइडेंटिफिएबल नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सो 3460 माइनस 900, दैट इज 3460 माइनस 900, सॉरी 3460 माइनस, दैट कम्स टू 2560, और इसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया टू गेन, वो कितना होगा 440 का। सो ये एक वर्किंग नोट आप बना लीजिए, और उसके बाद हम लोग देखिए फटाफट कैसे बनाते हैं ये। सिंपली करना क्या है, माइनस करना है यार, 380 माइनस 180 कितना हुआ 200, बिल्डिंग थी 3240 माइनस 1340, 3240 माइनस 1340 दैट कम्स टू 1900, 140 माइनस 40 100, इसको कैलसी पे नहीं करेंगे ठीक है, 1700 माइनस 900, तो ये भी कैलसी पे नहीं करते हैं लेकिन कर लेते हैं 800। यहाँ पे 3100 में कैश कितना आया, 3000 मिलियंस अभी आया कैश, उसमें से 1000 माइनस कर देंगे तो 3100, मतलब सेल करने के बाद आया ना बैंक अकाउंट डेबिट, अभी तो लिखे थे 51 आ जाएगा यहाँ पे, टोटल कर लीजिए इसका 200 प्लस 1900 सो दैट कम्स टू 8100। इसमें कोई चेंजेस होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अदर इक्विटी में गेन हुआ है, तो यहाँ पे कितना गेन हुआ था 440 गेन आ जाएगा, सो 4260 प्लस 440 दैट कम्स टू 4700। लाइबिलिटीज ओके, तो ये फिगर यहाँ पे मिसिंग है, तो 900, तो इसमें माइनस कर देंगे 27 माइनस 900 दैट इज 1800, तुम्हारा फिगर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1600 प्लस 47 प्लस 1800 दैट इज 8100, क्लियर है? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कैलसी क्वेश्चंस। बस माइनस करना था, एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी CFS में, जो कि हमने कर ली क्योंकि CFS से हम लोग बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या ये भी वही क्वेश्चन है क्या, कैलसी क्वेश्चन? सवाल क्या है,
प्रिपेयर करना है हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल, ठीक है, ओके, टू इंडिपेंडेंट पार्टी फॉर रुपीज 1000, फिगर्स आर इन, 1000 दिया हुआ है, तो 1000 और रुपीज़ इन 1000, मतलब उसमें हमें बेचा है, तो सिंपली आपको बस वही करना है। यहाँ पे भी एक जर्नल एंट्री मारनी है, तो वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना 1000 का। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका रिटेन्ड है क्या, इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड है, हंड्रेड परसेंट होल्ड किया है कि 90%, नीचे दिया होगा, ओके, ये 90% है, 90% शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड टू इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब 90% सेल किया, अभी भी 10% बचा हुआ, तो 10% की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग वही एनएवी मेथड लगाएंगे, एनएवी नेट एसेट मेथड, तो टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज दैट इज़ एनएवी, सो 1730 माइनस 450 इंटू 10%, 10% रिटेन्ड है, 1280 आएगा, इंटू करेंगे 10%, दैट इज़ 128, टू आइडेंटिफिएबल नेट एसेट अभी हमने निकाला 1280, क्लियर है, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वन थाउजेंड प्लस 128 माइनस 1280, ओ माय गॉड, सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ICI कंट्रोल लॉस में लॉस हो गया है, कंट्रोल लॉस में लॉस हुआ है, वाओ, लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल आप लिख सकते हो 152, सो बीइंग इन्वेस्टमेंट शोल्ड या सब्सिडरी डिस्पोज्ड, हमारे पास लॉस है इस बार, तो लॉस को यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, अदर इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग जो है यहाँ से हम लोग रिड्यूस कर देंगे 152, और एक एडजस्टमेंट होगा कि कैश में हम लोग 1000 यहाँ ऐड कर देंगे जो आया है, और बाकी 190 माइनस 90 दैट विल बी 100, और 1620 माइनस 670 950, और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 1550 प्लस 1000 माइनस 500 दैट इज़ 2050, सो 100 प्लस 950 प्लस 50 प्लस 400 प्लस 205, इसका पूरा नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा हर का अलग अलग, ठीक है, और डिस्पोजल पे जो गेन और लॉस है उसको भी आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओके, सो दिस कम्स 3550. अब इसमें एक चीज़ और होगी, ये तो जैसे जनरली हम लोग पहले किए थे वैसे उसके हिसाब से, अब इसमें हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे जो हमने रिटेन करके रखी है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट 128 का, तो अगर इन्वेस्टमेंट ऐड कर दे 128 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3678, तो ये चेंज था इसलिए हमने इसको अलग लिख दिया, तो टोटल एसेट की ये वैल्यू आ गई, और इक्विटी है 8 की, और रिटेन अर्निंग हो गया आपका 2130 माइनस 152 1978, ये टोटल है इन दोनों का, और ट्रेड पेबल आपका 1350 माइनस 450 दैट इज़ 900,
इसका टोटल हो गया 800 प्लस 1978 प्लस 900 3678, तो इसकी वैल्यू आ गई मैच कर गई। इस क्वेश्चन में आपको वो डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा क्या? 10% रिटेन्ड है आपके पास, तो आप डिस्क्लोज़र दे देंगे। हमारे ICI ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग दे देते हैं। गेन एज पर इंडियस 112, लेकिन इसमें फेयर वैल्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम लोग दोनों एक ही मान लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 128, 10% बचा है, और बुक वैल्यू भी वही मान लेते हैं, तो गेन यहाँ पे निल है। क्लियर? तो ये रहा आपका पूरा कंट्रोल लॉस्ट का क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे अगली क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।